बारा शहर के महिला थाने में दो नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। 18 से 21 सितंबर तक आरोपी युवक दोनों नाबालिग लड़कियों को कोटा, जयपुर और अजमेर तक ले गए, जहां दोनों के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। आरोपियों ने नाबालिग लड़कियों को पुलिस के सामने कुछ बोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इस दौरान लड़कों के पकड़े जाने के बावजूद उन्हें छोड़ दिया गया, वहीं लड़कियों को सखी केंद्र भेजा गया। नाबालिग लड़कियों का कहना है कि 12 के दो लड़के हमें 18 सितंबर को देर रात पहला पुसला कर ले गए थे। इसके बाद कोटा, जयपुर और अजमेर में रेलवे स्टेशन के पास सुनसान जगहों पर दोनों लड़कों और उनके अन्य साथियों ने 3 दिन तक गलत काम किया। वहीं कुछ नशीला पदार्थ भी खिलाकर गलत काम किया, जिसके बाद धमकी दी कि घर वालों और पुलिस को कुछ भी बताया तो माँ बाप और तुम्हें मार देंगे। इस दौरान 21 सितंबर को पुलिस नाबालिग लड़कियों और लड़कों को पकड़कर थाने लाई। पुलिस ने आरोपों का खंडन करते हुए पुलिस हेडक्वार्टर से बयान जारी करके 12 में दो नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म के आरोपों का खंडन किया है। पुलिस का दावा है कि दोनों बालिकाओं ने अपने 164 के बयानों में स्पष्ट किया कि उनके साथ रेप नहीं हुआ। दोनों बालिकाओं की मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है। घर से बच्चों के गायब होने पर परिवार ने महिला थाना 12 में रिपोर्ट दर्ज करवाई। 3 दिन तक उन्हें ढूंढते रहे। जांच के दौरान बच्चियों की लोकेशन लगातार बदलती रही। इस दौरान मंडाना की तरफ लोकेशन ट्रेस होने पर परिवार पुलिस के साथ मौके पर गए। फिर 21 सितंबर को एक थाने से फोन आया कि बच्चियों और दो युवकों को पकड़ लिया है। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, लड़के लड़कियां दोनों ही साथ लाए थे, जिनमें से लड़कों को तो छोड़ दिया, वहीं लड़कियों को सखी केंद्र भेज दिया गया। दोनों बहनों की उम्र 13 से 15 साल बताई जा रही है। और जबरदस्ती लेके गए थे और फिर ना वो जैसे खाने वो जल जाते थे ना, वो धो ही जाते थे और वहाँ से फिर वहाँ से कुछ लेके आते थे जो खिलाते हमें। फिर वहाँ कुछ समझा क्या करते थे क्या नहीं करते। कितने लोगों ने गलत की बेटा? ऐसे पता नहीं, और मैं जानती हूँ उनका कौन है। कितने जनों को जानते हो? एक को जानती हूँ, दीपक आदमी उसको जानते हो। और लोगों ने भी गलत काम किया है ना बेटा? फिर क्या धमकी वमकी क्या दी उन्होंने? उन्होंने ऐसे धमकी दी थी, अगर तुमने ना वहाँ पुलिस वाले मुँह खोल दिया ना तुम्हें मार मार देंगे, तुम जाए डिग जाओगे जाए। बोला था मुँह भी खोल दिया ना तुम्हारा बहुत बुरा होगा। याचे भी कर रही थी ना, क्या कहते यहाँ से तुम कोटा गए तो तुमको पता है कौन सी जगह थी कोटा में? ऐसे जगह वो भी पता नहीं है, पर ले गए हमें वही गए थे कुछ होटलों में, कुछ पता नहीं है कहाँ गए। कितने लोगों ने गलत किया बेटा? कितने लोगों ने गलत किया तुम्हारे साथ में? ऐसे तो 2-3 थे, पर ऐसे पता नहीं है कौन कौन। बेहोश कर देते थे, गोली दे देते। दोनों साथ थे तुम क्या, अलग अलग कमरे में थे? नहीं, दोनों बहने थे साथ में, पर पता नहीं क्या उन्होंने क्या किया। यहाँ से लेकर चलते हम लोग वही लेकर चलते, जैसे मतलब पाता हम घर पे जा रहे उन्होंने नया लेकर फिर स्टेशन पर लेकर देखते नलका से, नलका से बात जयपुर लेकर गए थे सुबह 8 बजे और जो 8 बजे वहाँ कोटा पहुँचे जिसमें जयपुर ले गए थे वहाँ ले रुके। कितने लोग थे? कितने जने थे बेटे? पहले 2 थे, फिर पता है 2-3 और आए थे। सबने गलत काम किया? हाँ। कितने लोगों ने किया था? वो 3-4 लोग आए थे बाहर। फिर क्या हुआ, फिर कैसे घर पे तुमने पता नहीं क्यों पूछा नहीं पापा वगैरह को, फोन की नहीं किया? क्या धमकियाँ देते थे वो? मम्मी पापा को मारने थे। मारने कुछ खिलाए भी था क्या? हाँ। क्या खिलाया था? क्या खिलाया था? अच्छा, फिर कैसे घर पे पहुँचे वापस आए? जयपुर अच्छा कोटा का फोन किया था हमने तो भैया पापा को। अच्छा, तो उन्होंने मोबाइल पुश कर लिया था। अच्छा, क्या कर रहे थे? मैं कह रहा फोन किससे मैंने कहा मेरे पापा से किया है, उसने फोन कुछ कर लिया। अच्छा, फिर उनके भैया और आए थे, फिर क्या कहा? 9 बजे से 10 बजे करीब आए थे। जो वहाँ जंग करना कहा लेके गए थे। अच्छा, कुछ जगह का पता नहीं कौन सी जगह थी ना?
ये पुलिस वालों ने क्या किया, कोई यहाँ लाए फिर तुम्हें कहाँ रखा, क्या इन्होंने कुछ थाने में लाए थे इनके भैया और हम। अच्छा फिर क्या बयान बयान दिए, तुम्हारे बयान लिए थे उन्होंने पुलिस वाले ने बयान दिया पूछा था थाने में। पूरा बताया घटनाक्रम तुमने, क्या बताया पूरी बातें बताई बताया। उन्होंने कुछ कहा कि दम कुछ बताओगे तो? हाँ दम खाया था, मैं कहा था मम्मी पापा को सबको मार देंगे मार गए। देखिए इसमें घटनाक्रम इस तरह है कि 18 तारीख की रात को ये दोनों बच्चियाँ अपने घर से निकली और उसके बाद अगले दिन इनके पिताजी ने महिला थाने में आके रिपोर्ट दी, जिस पर इमिडिएटली FIR रजिस्टर कर ली हमने 363 34 में, जिसमें पिताजी ने जिन दो लड़कों के शक के आधार पर नाम लिखाया था उनको हमने वेरीफाई किया और 3 दिन के बाद इन लड़कियों को बड़ी मशक्कत के बाद हमने कोटा से दस्तयाब किया। लड़कियों को वापस उनके परिवारजनों से मिलाया गया और परिवारजनों से मिलाने के बाद सखी केंद्र में उनको एक इंडिपेंडेंट एटमॉस्फेयर में रहने के लिए उनको भिजवा दिया गया। सर साथ ही साथ जो जैसा कि अपना नियम जो कानूनी प्रावधान है कि बच्चियों का 164 CRPC के तहत मजिस्ट्रेट साहब के सामने जो बयान करवाए गए, दैट वॉज तो 23 तारीख को वो बयान करा दिए गए। जब मजिस्ट्रेट साहब के सामने इन बच्चियों को पेश किया गया, इनफैक्ट मजिस्ट्रेट साहब खुद सखी केंद्र में जाके इनके बयान लेने गए, तो वहाँ पर इन बच्चियों ने अपने बयानों में ये बात बताई कि क्योंकि इनके पापा इनको घुमाने नहीं ले जाते थे इस कारण से ये घूमने चले गए थे कोटा में और इनके साथ कोई इनको कोई भैला फुसला के नहीं लेके गया और इनके साथ कोई गलत काम नहीं हुआ, इस तरह के बयान इन्होंने मजिस्ट्रेट साहब के सामने बताए हैं। मजिस्ट्रेट साहब ने बाकायदा उसको रिटर्न में करके और उसको क्या कहते हैं अपनी स्टैंप और मोहर के साथ हमको प्रोवाइड किए गए हैं। इन तथ्यों के आधार पर अभी जो प्रथम दृष्टिया हमको जो 164 के बयान प्लस लड़कियों के जो बयान हैं प्लस जो CWC जो सखी केंद्र में जो इन्होंने बयान दिए थे उन सब का विश्लेषण करके कानूनी राय ली जा रही है और क्योंकि 164 CRPC के बयान सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं और चूँकि लड़कियों ने भी किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती किसी प्रकार की कोई घटनाक्रम होने से इनकार किया है, साथ ही जिस बात की पुष्टि इनकी जो हमने मेडिकल कराया उससे भी पुष्टि होती है कि किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है, तो उस आधार पर अभी हमारी जाँच कंटिन्यू कर रही है। इसमें जैसे भी आगे जो साक्ष्य आएंगे उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई की। सर मेडिकल में एक ओपिनियन में आ रहा है कि इसके साथ दुष्कर्म हुआ, इसके अलावा जिनके साथ में जो लड़के थे जो मिले हैं कोटा में साथ में वो लोगों को पुलिस ने छोड़ दिया बताया? नहीं नहीं, वो लड़कियों ने जो बयान हमको दिए प्लस हमसे भी ऊपर जो मजिस्ट्रेट साहब जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है उनके सामने जो लड़कियों ने बताया कि उनको कोई लेके नहीं गया और उनके साथ कोई गलत काम नहीं हुआ, तो जो आरोप शक्ति आधार पर पिताजी ने लगाए थे वो एक प्रकार से निराधार साबित हुए, लेकिन फिर भी हमने अभी इसको अनुसंधान को क्लोज नहीं किया है, इसमें और कोई यदि दृष्टिकोण है कोई एंगल है तो उसको हम एक्सप्लोर करके उसमें जो विधिक कार्रवाई है वो जरूर अवश्य आज बयान दिया कि उनके साथ जबरदस्ती की गई, उनको धमकाया गया बयानों को लेकर, आज उन्होंने मीडिया के समक्ष ये बयान दिया। देखिए जो 164 CRPC का बयान का जो बेसिस है वो यही है कि पीड़िता बिना किसी जोर दबाव के बिना किसी डर भाव के इंडिपेंडेंट एजेंसी मजिस्ट्रेट साहब के सामने निर्भय होकर अपना बयान दे सके और उस एजेंसी के सामने जिसको सबसे बड़ी एजेंसी माना जाता है न्यायिक प्रक्रिया में उसके सामने ये लड़कियों ने अपने बयान दिए हैं। फिर भी यदि अगर बच्चियों को ये लगता है कि उस समय जो उन्होंने बयान दिए हैं वो उन्होंने किसी जोर दबाव में दिए हैं तो हम उनसे दोबारा से मजिस्ट्रेट साहब से परमिशन लेके और उनके दोबारा बयान करा देंगे और उसमें जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से अनुसंधान किया जाएगा।